गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बच्चों नंबर सिस्टम जो है वो 8, 9 और 10 तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। ए सिस्टम इन विच रिप्रेजेंट द नंबर, इट इज नोन एज नंबर सिस्टम। मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 4 टाइप्स का होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारी 10 डिजिट होती है, इसके अंदर जो होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है बच्चों। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट होती है, 0 और 1। अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमारी 8 डिजिट होती है, 0 से 7। और हेक्सा के अंदर 6 डिजिट भी होती है, 0 टू 5, ठीक है बच्चों। बट हमें ना तो बाइनरी पढ़ना है ना ऑक्टल, हमें सिर्फ पढ़ना होता है इसके अंदर डेसिमल सिस्टम, क्योंकि डेसिमल सिस्टम ही है जो कोई भी नंबर होगा हमारा वो हमेशा डेसिमल सिस्टम से बना होता है, जैसे 3, 5, 6, 2, 8, 9। देखो बच्चों इसमें 0 से लेकर 9 से डिजिट आ रही है, तो ये कौन सा सिस्टम आ गया, ये डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी के अंदर आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की। तो उसमें आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, सम्मिश्र संख्या। देखो बच्चों इसके अंदर बहुत सारी संख्याओं का मिश्रण होता है, ठीक है बच्चों। तो कौन कौन सी संख्या होगी, एक तो होगा रियल नंबर, एक होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है बच्चों। रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर -∞ से +∞ तक जितनी भी संख्या होती है हमारे पास, -∞ से +∞ तक जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो 0, 1, 2, -1, -2, -3, वो सब कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो जैसे i इक्वल टू होता है -k1, i हमारा होता है एवरेज। मीन्स क्या हुआ, जितने भी नंबर हमारे अंडर रूट के अंदर माइनस में आएंगे वो सब क्या होंगे, हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज अच्छे समझ में आ चुकी होगी आपकी, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो आगे चलते हैं रियल नंबर की। ये सब हम साफ करके रखा था, तो बच्चों रियल नंबर तो रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होगा डेसिमल और सेकेंड होगा इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है बच्चों पूर्णांक, ठीक है बच्चों। डेसिमल को मतलब समझते हो तो समझो, मतलब कोई भी नंबर अगर पॉइंट पे मारा है, सिर्फ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सब नंबर किसी भी मारा है डेसिमल मार है, मतलब पॉइंट पे मार है, उसमें क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसी प्रकार पूर्णांक मतलब पूरा नंबर, जैसे -2 हो गया, -1, 0 भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, 1 और 2, तो ये सब नंबर किस तरह से आपके हमारा पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों। तो डेसिमल नंबर और पूर्णांक में टीचर समझ में आ चुका होगा आपके। हम डेसिमल नंबर को कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों, अगर हम डेसिमल की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है बच्चों, रिपीटिंग नंबर जैसे कि मैं बात करूं यहां पे 1/3 कितना आएगा, मुझे डिवाइड करेंगे सबको मालूम है 0.3333, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं 1/2 की तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, है ना, तो कितना आएगा। देखो बच्चों ये 0.5 है, 4 का नंबर कट रहा है, बट 0 की रिपीट होती है वो हम इसके अंदर शो नहीं करते,
इसके अंदर आएगा रिपीटिंग नंबर के अंदर आएगा। अगर मैं रिपीटिंग नंबर की अलग क्लासिफिकेशन करूं तो एक मिनट यहां पे लिखता हूं ना, तो अगर मैं रिपीटिंग की यहां पे बात कर रहा हूं, एक मिनट, डेसिमल हो गया, डेसिमल तो दो आया हमारे पास, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर मैं रिपीटिंग की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो उसमें दो अंक आएंगे वो क्या होगा, तो अगर टर्मिनेट एक होगा नॉन टर्मिनेट। ठीक है, रिपीटिंग के अंदर होगा टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेशन के वो जो पूरी पूरी कट जाती है, जैसे यहाँ पे 1/2 था पूरा पूरा कट गया 0.5 आया था, तो ये संख्या किस तरह की होगी, जैसे 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, 1/4 की वैल्यू बताऊँ तो कितनी आएगी 0.25, तो ये संख्या कैसे होगी मेरे पास, टर्मिनेट होगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ 1/3 की तो ये आएगा 0.3333। ठीक है बच्चों, ये कैसी संख्या होगी, ये कटनी नहीं रिपीट हो रही है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेट हो गया, ये कटेगी नहीं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, बार मतलब है कि बार 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 रिपीट हो रही है। ठीक है बच्चों, समझा कितनी बार, तो ये टर्मिनेट पढ़ लिया नॉन टर्मिनेट, बस देखो ये पूरी जो संख्या होगी जो हमने पूरा पढ़ाया इसके अंदर, ये इस सबको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो अभी ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग के साथ ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट भी होगा, ना तो संख्या टर्मिनेट होगी तो ना तो रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में कौन कौन से होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है बच्चों, कैसे हो गया मेरे पास, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट, या फिर इस तरीके में होंगे 0.100, 0.1000। ये संख्या भी कैसे होगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेट, तो इन सब को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बच्चों एक बात और, तो यहाँ पे पाई है, पाई कैसे वैल्यू हुए इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 होगी वो हमारे पास रेशनल नंबर होगी। ठीक है, क्यों हो गया बता रहा हूं, देखो अच्छे से यहां पे देखते हैं, देखो जो क्या पढ़ता हूं कि रेशनल नंबर, डेफिनेशन क्या होगी कि हमसे कैन बी रिटर्न बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, देखो 1/5 था तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में था, 1/4 किसी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 1/3 किसी फॉर्म में आ रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और देखो बच्चों 22/7 किसी फॉर्म में आ रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसीलिए 22/7 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी इरेशनल नंबर की, तो हम इसमें बोल सकते हैं कैन नॉट बी रिटन बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हम इस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल मैंने सर लाइक करनी है यहां पे √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये देखो सब क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं लास्ट में पढ़ रहेंगे, तो उसके अंदर इंटीजर, इधर समझाइए बच्चों, मैं इसे रफ कर रहा हूं, क्या रहेगा हमारा इंटीजर, तो बच्चों अगर हम बात कर रहा हूं इंटीजर की, इंटीजर्स की, तो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं
पॉजिटिव इंटीजर साथ में जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव इंटीजर। बच्चों जैसे पॉजिटिव का साइड बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट जीरो, नेगेटिव का जो साइड बनेगा इनफाइनाइट -3 -2 -1। देखो बच्चों सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो बच्चों सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर तुम क्या बोल सकते हैं इसे नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सबको हम क्या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। बच्चों अगर इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, अगर हम इसके अंदर 0 1 2 3 4 तो हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है बच्चों समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 तो बॉक्स में 4 नेचुरल नंबर, अगर 0 ऐड हो गया हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर, देखो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम और कंपोनेंट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या नंबर, प्राइम नंबर होगा हमारे पास ऐसे सोचो प्राइम नंबर हुआ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, ठीक है बच्चों नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, मतलब जिस नंबर की दो फैक्टर होंगे वो कौन फैक्टर होंगे, तो वन होगा तो दूसरा होगा इटसेल्फ, ठीक है बच्चों प्राइम नंबर वेरी नंबर होंगे इसके दो फैक्टर होंगे कौन कौन से, तो कुछ वन होगा और दूसरा होगा इटसेल्फ प्लस वन होगा, जैसे कि 2 3 5 और सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होगा उसे बोलते हैं 2, जब ये बोलते हैं कि सबसे छोटा सॉरी इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है तो कौन सा होगा 2, और ओड प्राइम की बात करें तो वो होगा 3, ठीक है बच्चों। और बात करें कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कौन से फैक्टर होंगे, इसके बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर, जैसे 4 6 8। देखो भाई 4 के फैक्टर बात कर रहे हैं तो 2 into 2 into 1 होगा, है ना बच्चों 4 के फैक्टर होंगे 2 into 2 into 1 तो मुझे क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चाहे 6 के आएंगे 2 into 3 into 1 तो ये सब किस कैसे होंगे कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की,
कोऑपरेंट में क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ प्राइम नंबर, हैविंग एचसीएफ फैक्टर इज वन। ठीक है बच्चों, कोऑपरेंट नंबर होते से होते हैं इसमें से अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो जो इसका प्राइम नंबर का एचसीएफ फैक्टर वन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जिस भी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर होते हैं, सेट ऑफ कौन सा हो गया, दो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ फैक्टर वन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 3, 5, 7, 11 इन सब का एचसीएफ फैक्टर कितना होगा, वन होगा। ठीक है बच्चों, हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अगर हम अगली बात करते हैं ट्वाइन प्राइम, तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग बच्चों, अगर हम क्वाइंट प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, अगर किन्हीं दो प्राइम नंबर का डिफरेंस दो आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाइंट प्राइम। जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19 तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाइंट प्राइम नंबर। अच्छे समझ आएगा बच्चों, को प्राइम अगर दो प्राइम नंबर का ऐसे फैक्टर बनाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ट्वाइन प्राइम। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना, इवन नंबर, इवन नंबर क्या बोलते हैं, ए नंबर विच आर डिवाइड बाय टू, जो नंबर हमारा टू से डिवाइड होगा उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब कैसे नंबर होंगे, हमारे पास इवन नंबर होंगे, जो नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होते हैं, इवन नंबर। सेम ऐसे ही ओड नंबर, ए नंबर विच आर नॉट डिवाइड बाय टू, जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर। जैसे 3, 5, 1, 7, 9, 11 ये बच्चों, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रेशन नंबर ओड नंबर इवन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर ट्वाइन प्राइम को प्राइम ये सब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा बच्चों। तो आज के लिए हमारा इतना ही काम रहेगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना, मेहनत करो। ओके, गुड बाय।